सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी से, अभी ये तो नई सीरीज चालू होने वाली है, लेकिन ये जो अभी 2 महीने पहले सीरीज खत्म हुई है, मतलब 2 महीने पहले चालू हुई थी, 10 दिन पहले खत्म हुई है, इससे आप उभर पाए हैं क्या? अभी इसका हैंगओवर निपटा है क्या? अभी बताइए ना। बताइए, परेशान मत कर, पहले आप बताइए। देखिए, पहले तो आपको नमस्कार। और जो आप जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो तो एक नई राइवलरी बनी चुकी है इंडिया पाकिस्तान के बाद। सबसे बड़ी बात उसमें मुझे ये लगी कि जो ऑस्ट्रेलिया जब भी इंडिया से खेलती है, तो उसको पता होता है हमारे सामने जो है ये टफ है। इस पहले जो इंडिया थी 1999 से पहले, बहुत मतलब थे तो खिलाड़ी अच्छे, लेकिन है ना, वो बोल चाल में और मेंटल टफनेस में थोड़े से कम थे। इस बार जो सीरीज हुई है, वो मेंटल टफनेस इंडिया की हाईएस्ट लेवल पे ले गई। तो उस सीरीज पे इतनी एडवर्सिटीज के बाद भी इंडिया ने वो सीरीज जीत ली। तो हैंगओवर तो शायद उतरने वाला 1 साल तक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम हुआ है। तो पिछले 7 मतलब सीरीज जीतने की 1 हफ्ते बाद तक तो बड़ी बात काम चुकी है, लेकिन ऋषभ पंत का अभी शॉट चलता रहा था। इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप धोनी का शॉट, ऋषभ पंत का ये शॉट, ये दो शॉट के क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन शॉट माने जा सकते हैं। और तो इस सही कहा को आपने। मुझे पता है उतरना काफी मुश्किल है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि ये हैंगओवर कभी उतर सकता है। ये सीरीज बिल्कुल सिमिलर है 2001 इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के। वो सीरीज आज तक नहीं भूल पाया है। कोलकाता अमर हो चुका है, जिंदा रहेगा जब तक रहेगा, और ब्रिस्बेन भी जिंदा रहेगा। ये सीरीज अनएक्सपेक्टेड था एकदम। अभी भी टर्म्स पे नहीं आ पाए हूँ मैं उसके साथ कि हम जीत कैसे गए, क्योंकि अभी भी इम्पॉसिबल ही फील होता है। लेकिन फिर तो भी मतलब आपको ऐसा वो लगता नहीं था कि अपन 2 साल से दिखते आ रहे थे, 18 साल से गए थे, उसके बाद